आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की लार्जेस्ट ओएमसी कंपनी विद 50% ऑफ द रिटेल मार्केट शेयर दैट इज पीएसओ के बारे में। पीएसओ के आरएलएनजी सेगमेंट के कैश रिसीवेबल्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं पिछले 12 माह में और सीवर 23 पर 95% पे एवरेज किए हैं, जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर दैट इज सीवर 22 में सिर्फ 78% पे थे। पहली दफ़ा गैस की आरएलएनजी डाइवर्जन की कॉस्ट को इंडिजिनस गैस की कॉस्ट में शामिल किया गया है, जो कि तकरीबन 232 बिलियन रुपीज़ बनती है और 161 MMCFD की गैस बनती है। प्रोडक्ट प्राइसेस पे करंट रेगुलेटेड मार्जिन 2.8% का है, जो कि लॉन्ग टर्म एवरेज के 2.4 टू 2.5% के आसपास ही है, जबकि बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और हाई फाइनेंस कॉस्ट की वजह से OMCs के बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट हुआ है और उनके रिवाइज्ड अपवर्ड थ्रेशोल्ड दैट इज़ 4 to 8% के मुकाबले में ये मार्जिन अभी भी काफ़ी कम है। 2020 के ECC के डायरेक्टिव के मुताबिक इन मार्जिनस में एनुअल इन्फ्लेशन के मुताबिक इजाफा होगा। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने FY25 ऑनवर्ड 9% का इजाफा लिया है, जिसकी वजह से कंपनी के ग्रोस मार्जिनस FY25 टू 29 के दरमियान ऑन एवरेज 3.1% पे इंक्रीज़ कर जाएंगे, जो कि FY23 में सिर्फ 2.2% पे थे। लुकिंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इकॉनमी में इंप्रूवमेंट के साथ साथ PSO की OMC सेल्स पेनिट्रेशन भी मेंटेन ही रहेगी, जहां कंपनी ने फर्स्ट 8 मंथ ऑफ द फिस्कल ईयर में 50% का मार्केट शेयर ग्रैब किया है, जो कि FY19 के फर्स्ट 8 मंथ में सिर्फ 40% पे था, जिसकी वजह कंपनी की स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट ऑफ द आउटलेट्स है, जो कि अबव 3500 हैं और पूरे मुल्क के आउटलेट्स का 37% बनाते हैं। इसके साथ ही कंपनी की सब्सिडरी दैट इज़ पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड ने OGDC और यूनाइटेड एनर्जी के साथ MOU साइन किया है फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ ब्राउनफील्ड रिफाइनरी प्लान, और हम एक्सपेक्ट करते हैं इस सब्सिडरी को फ़ायदा होगा उन ड्यूटी प्रोटेक्शंस का जो कि न्यू रिफाइनरी पॉलिसी के अंडर दी गई हैं। ओवरऑल कंपनी पे हमारी December 24 की टारगेट प्राइस 290 रुपीज़ पर शेयर की है। इस टॉपिक पे हमारी रिपोर्ट पढ़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और साथ ही इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।